बाद में अगली श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगा मौलाना मेराजुल हसन साहब को कि वे आकर अपना यहाँ पर वक्तव्य समय की मर्यादा के साथ शुरू करता हूँ। उस अल्लाह के नाम से, उस ईश्वर और उस परवरदिगार गॉड के नाम से जो बड़ा दयालु है, बड़ा रहीम है, बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदों से। आज का ये प्रोग्राम जो सर्वधर्म के नाम से है, जिन लोगों के दिल में दर्द था वो अपने टाइम से मंच पर आ गए, क्योंकि जानते हैं कि भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का लगाया हुआ चमन है और इस चमन में आग लगी हुई है, इसको बुझाना है। नांदेड़ वाले, शायद ये तो पैगाम पहुंचा नहीं, क्योंकि ईश्वर से कांटेक्ट है ना, चमन उसका बनाया हुआ है, गुलशन उसका बनाया हुआ है, तो उसके गुलशन को जब कोई जलाएगा तो दर्द इन्हें होगा। अपने मठों को, खानकाहों को, दरगाहों को छोड़कर, मदरसों को छोड़कर ये पैगाम लेकर के महान लोग निकले, और महानता बहुत थोड़ी सी होती है, इसके लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये पैगाम होता है उनकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आज नांदेड़ के अंदर जश्न होना चाहिए था कि नांदेड़ में ये प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ धर्मगुरु मौजूद हैं, लेकिन लगता है अभी इंसानियत सो रही है, अभी आँच घर तक नहीं पहुँची, अभी पहुँची नहीं आँच। जिस दिन आँच पहुँचेगी उस दिन इनका दर्द मालूम होगा क्या है। शैलेश केदारे ने आवाज़ लगाई है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर रह रो आते गए कारवां बनता गया। इसके लिए ये थोड़े से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान का, गीता का, वेद का यही है कि सच्चाई कम होती है लेकिन भारी सब पे होती है। ये हर एक का पैगाम है और कुरान खुद कहता है, ये इंसानियत जो है इसका साफ ऐलान करता है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ये अध्याय कुरान का इसका तर्जुमा बता रहा हूँ। ऐ लोगो, ऐ इंसानियत को मानने वालो, ऐ जब जुल्म बढ़ जाए उस वक्त में तुम्हें सोना नहीं है, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअरफू, जात, बिरादरी, कुंबे, कबीले, अलग अलग धर्म इसलिए बनाए कि एक दूसरे को पहचान लो। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो ईश्वर से ज्यादा डरने वाला है वो ईश्वर के नज़दीक महान है, और जो ईश्वर से नहीं डरता और जालिम को उसका जुल्म करने देता है, जालिम का हाथ नहीं रोकता, मजलूम की मदद नहीं करता, वो ईश्वर के यहाँ किसी गिनती में नहीं आता। ये ईश्वर कह रहा है, उनसुर आखा का जालिमन और मजलूमन। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो, खा वो मजलूम हो, उसके ऊपर अत्याचार हुआ हो या अत्याचार करने वाला हो, दोनों की मदद करो। पूछा कि जालिम की मदद कैसे, कि जालिम की मदद ऐसे कि जब उसका जुल्म का हाथ उठे तो उसका हाथ पकड़ो, उसको रोको कि तुझे जुल्म नहीं करना है। और सच्ची बात यह है, एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो एक फ्लावर पॉट की तरह है, इसमें गेंदा भी है, चमेली भी है, गुलाब भी है, हर एक का अलग अलग नाम है, लेकिन फ्लावर पॉट उसका नाम भारत है, उसका नाम हिंदुस्तान है। इस फ्लावर पॉट को बचाना है, इस गुलशन के अंदर जो जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, चमेली अपनी खुशबू दे रही है, ईसाई अपनी खुशबू दे रहा है, गुलाब अपनी खुशबू दे रहा है, मुसलमान अपनी खुशबू दे रहा है, गेंदा अपनी खुशबू दे रहा है, हिंदू अपनी खुशबू दे रहा है, इस खुशबू को बचाना यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। और उसमें ये नहीं है, देखो दर्द उठा तो आ गए, और दर्द चुना गया तो आप लोग आ गए। इस पैगाम को, इस मैसेज को पूरी दुनिया के अंदर लेकर के जाना है, क्योंकि ये खासियत सिर्फ हिंदुस्तान की है, क्या यहाँ सब धर्म के मानने वाले मौजूद, और किसी मुल्क की खासियत नहीं है। और इसीलिए इसका नाम हमारे शायर इकबाल, अल्लामा इकबाल ने रखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इसका नाम गुलिस्ता इसीलिए रखा गया, किसी मुल्क, आप हिस्ट्री उठा करके देखो, किसी मुल्क का नाम गुलिस्ता नहीं है, इसका नाम गुलिस्ता है, इसलिए कि इसमें सारे फूल मौजूद हैं।
तो इस पैगाम को आपको लेकर के जाना है, व्हाट्सएप हो उसके जरिए से हो, कि देखो चीफ इमाम उमर इलियासी ने ये बेड़ा उठाया है कि द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का संदेश इस नांदेड़ से उठकर पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे और उसके बाद पूरी दुनिया में शांति अशांति पूरी दुनिया में फैली हुई। इंसान इंसान का दुश्मन हो रहा है, हम सब जानवर बनते जा रहे हैं। एक कुत्ता जो गली में फिर रहा है और एक मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जान होने में दोनों बराबर हैं, लेकिन उसके अंदर उन्स नहीं है, उसके अंदर मोहब्बत नहीं है, उसके अंदर उखुवत नहीं है, उसके अंदर भाईचारा नहीं है, लेकिन हमें इंसानियत दी गई है। लकद वतीन व जैतून व तूरी सीनीन व हाजल बलद अमीन लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम। खूबसूरत ढांचा जो दिया है इस इंसान को दिया है, अगर इस इंसान ने इस ढांचे की फिक्र नहीं की तो वह इंसानियत से गिरा हुआ है, फिर वो जानदार और जानवर की सब में आता है। मैं शैलेश केदारे और यहाँ बैठे हुए हाजी सलीम साहब और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको किस तरीके से मुबारकबाद दूँ। डिक्शनरी में ढूंढ रहा हूँ, लफ्ज़ नहीं है। मौलाना चीफ इमाम उमर इलियासी साहब को देख रहा हूँ कि इनको किन अल्फाज में मैं जो है मुबारकबाद दूँ कि इतना बड़ा आदमी जो मुल्कों मुल्कों जाता है वो यहाँ नांदेड़ में आकर के पैगाम दे रहा है, तो इसका मतलब इनके दिल सुलग रहे हैं, महाराज के दिल सुलग रहे हैं, स्वामी बहन के दिल सुलग रहा है कि इस हिंदुस्तान को जिसको हमने बनाया है ये एक ऐसा ही चमन बना रहे। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो ये लोग आए हैं, और कभी क्वांटिटी पे मत जाना, समझे, सब क्वालिटी बैठी हुई है, अहमियत क्वालिटी की है क्वांटिटी की नहीं है। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।